आज हम यहाँ सलीम अब्बासी साहब ने बहुत अच्छा लेक्चर दिया, उर्दू यूनिवर्सिटी में वो आए हुए थे, बहुत सारी उनकी हमने नॉलेज भी ली, बहुत सारे कुछ तलबा तालिबात ने क्वेश्चन भी किए। हम बहुत मशहूर हैं कि वो सलीम अब्बासी सर यहाँ आए और नेक्स्ट टाइम भी वो आते रहें, हम उनके बहुत मशहूर होंगे। मेरा नाम फैज़ खान है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज सलीम अब्बासी साहब हमारी यूनिवर्सिटी आए और हमारे डिपार्टमेंट आए, तो आज उनसे जो हमें आज उनसे सीखने को मिला तो इससे पहले हमें कभी भी नहीं मिला, और बहुत नई चीज़ें जो है उन्होंने हमें सामने रखा और हमने उसे अच्छी ख़ास इलम जो है हासिल किए। हम सलीम अब्बासी सर का बहुत और बेहद मशहूर है, तो वो हमारी यूनिवर्सिटी आए और सारे स्टूडेंट के लिए उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया। आज सलीम अब्बासी साहब हमारी यूनिवर्सिटी आया था, मैं उसका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ आया और हमें बहुत ज़बरदस्त किस्म के मालूम उन्होंने प्रोवाइड की। मुझे बहुत खुशी हुई जो और स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो प्रोडक्शन में और फिल्म मेकिंग में और ख़ास तौर पे डॉक्यूमेंट्री बनाने में बहुत ज़्यादा शौक़ रखते, उसके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद रहा ये जो आज हमारा सेमिनार था, बहुत ज़बरदस्त रहा। और हम सर से गुजारिश करते कि इसी तरह आइंदे के लिए भी आते रहें, और आपसे आज बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला है। आज के सेमिनार में बहुत सी चीज़ें सीखने के लिए मिली, जैसे कि कैमरे की टेक्निक के बारे में, माइक की टेक्निक के बारे में, और पैकेज कैसे बनते हैं, और दूसरी चीज़ों के बारे में हमें बहुत कुछ सीखने का मिला। आज शोभा अबलागे आमा अब्दुल हक कैंपस उर्दू यूनिवर्सिटी में सलीम साहब आए। सलीम साहब की स्पेशलिटी ये है कि सलीम साहब जो हैं वो एक इंस्ट्रक्टर हैं, टीचर हैं जर्नलिज़म का। पाकिस्तान में स्टूडेंट्स का क्या आगे चल के डिग्री लेने के बाद कैरियर बन सकता है, और उसकी इम्पोर्टेंस पे बहुत एक इंफॉर्मेटिव और ऐसा लेक्चर डिलीवर किया है जो स्टूडेंट्स पहले ही कहते थे कि मिस इस फ़ोटो जर्नलिज़म को पढ़ के हमें फ़ायदा क्या होगा। आज इसमें मेजॉरिटी स्टूडेंट अपने अदर कोर्स जो कि ऑप्शनल थे उसको छोड़कर फ़ोटो जर्नलिज़म की तरफ खड़े हो गए कि रजिस्टर करें। इतना मोटिवेटेड और इतना डिवोशन के साथ, इतना कंसंट्रेशन के साथ जो है स्टूडेंट ने सुना और मोटिवेट हुए कि स्टूडेंट अपने इस सब्जेक्ट की अहमियत को इससे पहले शायद इतना नहीं जानते थे जितना उन्होंने अब जाना है सर से लेक्चर लेने के बाद। मेरी रिक्वेस्ट है सलीम साहब से कि वो इस तरह के वर्कशॉप्स में कभी भी कहीं हो रहा हो तो फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी शोभा अबलागे आमा के स्टूडेंट्स को एज ए वॉलंटियरली अपने साथ रखें, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं उन ऐसे अजीम टीचर से कुछ सीखने की उनको मौका मिले और कुछ सीख सकें। थैंक यू वेरी मच, और बहुत शुक्रिया उनका और उनकी टीम का। आज हमारे लिए एक अहम एजाज़ ये था कि सलीम अब्बास साहब ने हमारे शोबे में एक लेक्चर दिया, और उसकी जो अपनी स्पेशलिटी है डॉक्यूमेंट्री, उसके बारे में और उससे मुतालिक दीगर अज्जा के बारे में। लेकिन जो अहम तरीन चीज़ यह है कि आज जो है हमारे बच्चों ने वो कुछ सीखा है जिन्होंने 4-5 साल में किसी प्रैक्टिकल आदमी से वो चीज़ें नहीं सीखी। वो आदमी जो फील्ड का था, वो आदमी जिसने पाकिस्तान में बेशुमार डॉक्यूमेंट्रीज बनाई और उस पर बैनुल अक्वामी तौर पर उसमें इनामात भी हासिल किए। जो इसमें अहम तरीन चीज़ थी उनके लेक्चर की कि उन्होंने उसके वो छोटे छोटे से अज्जा भी बच्चों को इस तरह से समझाए कि जैसे कोई शख्स बाकायदा तौर पर अपने बच्चों को इंटरेस्ट लेकर के सिखाता है, और एक पब्लिक यूनिवर्सिटी में आकर इस किस्म के काम करने पर हम इनके बेहद शुक्रगुजार हैं। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने जो उसकी डायमेंशंस बयान किए और खुसूसन कैमरे और दीगर चीज़ों के बारे में उन्होंने जो बातचीत की है, उससे हमारे तलबा जिस तरह मुस्तफीद हुए हैं, हमारे यहाँ किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी में इससे पहले बहुत कम ऐसा हुआ। सलीम अब्बास साहब की अपनी पोजीशन अपनी जगह, लेकिन जिस तरह से उन्होंने हमारे उन तलबा को समझाने की कोशिश की है वो अपनी जगह अहम है। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं उनकी जो क्लास है वो जिस शोबे से अपने ख़ानदान से आए हैं
वो ख़ानदान दर हकीकत पाकिस्तान के आम लोगों का ख़ानदान है, वो किसी VIP यूनिवर्सिटी का नहीं है। किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में 70,000 और 90,000 रुपये पर मंथ दे करके नहीं आए, बल्कि ये एक उन तलबा के से मुखातिब थे जो बुनियादी तौर पर अपनी ज़िंदगियां बदलना चाहते और उसके लिए कुछ टेक्निकल चीज़ें हासिल करना चाहते। तो जो कुछ टेक्निकलिटी इन्होंने बताई है, वो अगर तलबा उस पर सही मानों में अमल करेंगे तो वो ज़िंदगी में कामयाब रहेंगे, अपने और माशरे के लिए और समाज के लिए कोई अहम तरीन काम कर सकेंगे। इस पर हम इनका बेहद शुक्रिया अदा करेंगे।